हेलो फ्रेंड्स, आर इंटेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि फेसबुक का पूरा ऑल सेटिंग, ठीक है, ऑल सेटिंग आप वीडियो देखे होंगे, पूरा इस पर ऑल सेटिंग में बताऊंगा, ठीक है, लगभग पूरा सेटिंग में बता दूंगा। अगर कुछ सेटिंग भी छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसे पासपोर्ट बनाना है, कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है और पासपोर्ट कितना लंबा चौड़ा रखना है। ओपन कर लेता हूँ, आपने अगर लॉगिन नहीं किए होंगे तो लॉगिन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये रहा है आपका, ये जो स्टेटस है, सारी स्टेटस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका स्टेटस, यहाँ से प्लस है, यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं लगाया हूँ इसलिए यहाँ पे मेरा नहीं शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पे ये रील है, आप यहाँ से रील बना सकते हैं। यहाँ पे रूम और यहाँ पे ग्रुप, आप नया ग्रुप भी बना सकते हैं अपना, या आप जिस भी ग्रुप में होंगे वो ग्रुप यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ग्रुप दिख जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये लाइव है, यहाँ पे लाइव है, आप लाइव भी यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे ये होम रहा और ये टीवी है, यहाँ पे ये जैसे कि ये टीवी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये है ग्रुप, आप जो भी ग्रुप में है ये सारे ग्रुप है। और यहाँ पे है ये पेज, ये जो आपका पेज है वो पेज यहाँ पे दिख जाएगा। अगर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे करके ये पेज आप बना सकते हैं, ठीक है। और उनके किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं तो अपने पेज पे यहाँ से क्लिक करके अपने दोस्त को इनवाइट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनवाइट बहुत लोग किए हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये नोटिफिकेशन है, जितना भी लोग आपका फ़ोटो पे लाइक कमेंट करते हैं या किसी को आप फॉलो किए होंगे ऑल आइकन दबा के रखे होंगे बेल आइकन, तो वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। और मेन सेटिंग क्या है, मेन सेटिंग यहाँ पे आता है आपका, ऊपर थ्री लाइन दिया है, इसी में इसी से सब कुछ करना है। तो आइए मैं इसके बारे में ये थोड़ा बता देता हूँ। आपका ये जो है आपका स्टेटस है, तो स्टेटस में देखिए क्या होता है। अगर किसी का स्टेटस पे हम आ करके गलती से भी ये, अगर इसमें से ये तो अगर दिल और ये लगाते हैं तो ये सही है, अगर ये लगा देते हैं इमोजी तो लोग स्क्रीन शॉट लेकर के गाली लगा देते हैं या कुछ और लगा, जैसे कि ये मैं यहाँ पे लाइक कर दिया, गलती से ये भी कर दिया, ठीक है। तो इसको हमें वापस करने के लिए क्या करना है, ऊपर ये थ्री डॉट दिया है ना, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हम क्लिक किए, ठीक है, क्लिक करने के बाद में ये दो नंबर पे दे रहा है ना अंडू सेंड, यहाँ पे रिएक्शन, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अंडू पे क्लिक करना है, अभी वो वापस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनलोडिंग हो रहा है, ठीक है, पहले आपने अपलोड किया तो अभी अनलोड हो गया, ठीक है। तो यही करना है, अगर गलती से ये हो जाता है तो बाय द वे, ठीक है। और बाकी आप अपना, तो यहाँ से अपना अगर चाहते हैं अपना यहाँ से लगाने के लिए कुछ अपना स्टेटस, यहाँ से अपना कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके, जैसे ये फ़ोटो हो गया, फ़ोटो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऊपर स्टिकर को, जैसे कि कोई भी स्टिकर है, यहाँ से स्टिकर कोई ले लेते हैं, स्टिकर इधर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख करके यहाँ पे इधर उधर ड्रैग करके लगा सकते हैं, ठीक है। और ये रहा है आपका, इसको ओपेसिटी ये कम बेस ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और ये है म्यूजिक, आप जो भी म्यूजिक यहाँ पे लगाना चाहते हैं आप म्यूजिक यहाँ से पहले सुन सकते हैं और फिर लगा सकते हैं, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ओके। और ये रहा है आपका ये इफेक्ट, जो भी जैसा ये फ़ोटो है तो इस फोटो का इफेक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट है, ओके। और यहाँ पे है ये आपका टैग, जैसे आप किन किन फ्रेंड को आप टैग करना चाहते हो उसके ये टाइमलाइन में आपका ये फ़ोटो जाके दिखाएगा और उसका भी फ्रेंड देखेगा और आपका भी, ठीक है। और ये रहा है आपका ऐसे, ये इधर से स्लाइड करेगा आपका फ़ोटो, ठीक है। तो यही होता है, चलते रहेगा फ़ोटो जैसे, ओके। तो ये सब आपको तो मैं बता दिया, अब ये पूरा ओके करने के बाद में आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं शेयर वाला ऑप्शन पे करता हूँ, कि यहाँ पे अभी शेयर हो गया स्टोरी। देखिए यहाँ पे अपना स्टोरी पे ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ऐसे अभी मैं तो सॉन्ग नहीं लगाया था तो ये, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दे रहा है तो शेयर एज रील, इसको रील भी बना सकते हैं, ठीक है, या कोई
देखिए, या कोई आप इसको अगर कुछ लिखा है पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करके एकदम से दबाए रखेंगे तो ये रुक सकता है, ठीक है, यहाँ पे रुक के रहेगा। जैसे कि कोई कुछ टेक्स्ट लिखता है तो पढ़ने के लिए यहाँ पे दबा के रखेंगे तो रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्यू देखने के लिए, अभी न्यू व्यू है तो यहाँ पे व्यू भी आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे शो करता है व्यू, कौन कितना व्यू यहाँ पे मिला है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये पब्लिक, तो यहाँ पे ये देखिए हमें पब्लिक में रखना है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड पे रखेंगे तो केवल फ्रेंड्स दिखेगा, और कस्टम पे यहाँ पे नहीं, हमेशा पब्लिक में सेट करके रखना है। ओके, तो आइए ये मैं अब इसको क्या करते हैं, अगर डिलीट करना चाहते हैं इसको तो मैं यहाँ से 3 डॉट दिया तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि दिया है डिलीट वीडियो तो मुझे इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। और एडिट स्टोरी करना तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या इसे डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। ये सेटिंग बता दिया, अब आइए मैं चलते हैं ऊपर ये 3 लाइन पे, ठीक है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, पूरा सेटिंग बताएंगे। ओके, यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे ऐसे था, ऐसे आता है इंटरफेस, तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में उसके नीचे आएगा सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है कि पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी और पेमेंट, और यहाँ पे न्यूज फीड, ये सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन, शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज, ये सारी जितना भी दिया है, ये प्रोफाइल लॉकिंग और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ये सब के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला भी बताऊंगा, जो कि कोई आपका आईडी कहीं पे लॉगिन करता है तो आपका अलर्ट तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बिना आपका परमिशन का वो लॉगिन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आज मैं एक एक करके बताता हूँ, तो ये पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है नाम, ठीक है, शुरू में, तो नाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी नाम हो, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नाम वो होता है जैसे आपका नाम हो गया कुछ राहुल या अखिलेश या राजेश, कुछ भी हो गया तो यहाँ पे वो हो गया। और कुमार जैसे कोई टाइटल होता है वो यहाँ पे लगा देते हैं मिडल में। और लास्ट नाम जैसे कोई जाति से होता है वो टाइटल यहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं, पटेल, सिंह, जादू, जो भी हो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे चेंज भी कर देना है, ठीक है। तो मुझे तो चेंज करना नहीं है तो ये रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अदर नाम भी आप लगा सकते हैं, एड ए निक अदर नाम, जैसे बर्थ नेम, तो यहाँ से अदर नेम भी आप लगा सकते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मिडिल नेम और जो कुछ भी है, बर्थ नेम मतलब जन्म का नेम, तो इस पर टिक करके और यहाँ पे अपना जो कुछ भी नाम है नाम दे करके यहाँ पे शो एट प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल जो है उसके नाम के बगल में देना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं करने वाला हूँ, ओके, आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके एक और बार बैंक आते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ऊपर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और जीमेल, ठीक है। तो आइए मोबाइल नंबर में यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मोबाइल नंबर मेरा ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो ऑनली मी है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप पब्लिक करेंगे तो पूरा जितना भी लोग फेसबुक यूज करते हैं वो सभी लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड में आपका केवल जो फ्रेंड है वही देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, ओनली मी रखना है, ओके। और फिर बैक आते हैं, यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल में भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे ओनली मी रखना है। देखिए यहाँ पे पब्लिक और फ्रेंड नहीं रखना है, ईमेल वो रख भी सकते हैं आपका इच्छा के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से ऐड मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं और ऐड ईमेल भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट मैनेज सेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डेली टेक्स्ट लिमिट आप कितना का रखना चाहते हैं, जितना का आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे 100, 50 या अनलिमिटेड, ठीक है। तो मैं तो अनलिमिटेड रखा हूँ, कितने आप टेक्स्ट मतलब इस पर लिख सकते हैं डेली, तो मैं अनलिमिटेड रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ से नोटिफिकेशन, इसका भी एडिट कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन को, ठीक है। और यहाँ पे है टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेज का भी यहाँ से आप जो भी है आपका ये मोबाइल पे जो पासवर्ड आएगा तो ये मोबाइल पे ही सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और आइए मैं और इसका बैक चलता हूँ, ये देखिए आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए
इन प्रोसेस, मतलब और इन प्रोसेस से आप कौन कौन से देश में उसमें, तो देखिए ये टू फैक्टर जो एंथेटिकेशन है ये मैं चालू करके रखा हूँ, ठीक है। देखिए तो आप भी यहाँ से चालू करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना देश जो भी देश है अपना देश को यहाँ पे चूज करके रख सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कन्फर्म है, देखिए कन्फर्म ये, देखिए यहाँ पे योर कंट्री योर चेक कन्फर्म डेट योर कंट्री ऑफ रजिस्टर्स इज इंडिया, ठीक है। विजिट एड्रेस पे भी आप यहाँ से अपना एड्रेस पिन नंबर डाल के यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी अगर करते हैं तो यहाँ से अपना जो भी है ये कॉन्टैक्ट ये प्रोडक्ट है, यहाँ से प्रोडक्ट योर अकाउंट, यहाँ से अपना अकाउंट को सेव कर सकते हैं। यही होता है ये टर्न ऑफ जो यहाँ पे दिया है ना, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, तो ऑन है। अभी यहाँ पे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन है, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सिक्योरिटी के लिए दिया है। रिकवरी कोड देखिए, यहाँ पे रिकवरी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, सो यहाँ पे देख सकते हैं जितना बार आपने कोड लिया होगा वो सभी कोड यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर आपको SMS के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यूज डिफरेंट योर नंबर, यहाँ पे आप करेंगे तो दूसरा नंबर आप डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन ऐप, यहाँ पे अगर कोई ऐप आपने कभी लॉगिन किए होंगे या अभी चला रहे होंगे तो इस पर आप यहाँ से जा कर के स्क्रीन यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पे उसका कोड आएगा, कोड डालेंगे तो यहाँ पे चलने वो लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरा सेटिंग, ठीक है, पूरा A to Z। और अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेमोरियलाइजेशन यहाँ पे सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चूज लेंसी कॉन्टैक्ट। अगर किसी को यहाँ पे चूज करना चाहते हैं कोई फ्रेंड्स को तो यहाँ पे अपना किसी भी फ्रेंड्स को जैसे ले लेते हैं यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे, देखिए ये आ गया जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये तो मुझे नहीं करना है, आप कर सकते हैं। हाँ ये सब उसके मैसेज यहाँ पे ये चला जाएगा, ठीक है, वैसे अगर करते हैं तो, ठीक है। ये अभी ये आ गया डिटेक्टिवेशन एंड डिलेशन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे दिया है डिलीट अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलेशन करेंगे तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर भविष्य में कभी करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ओके। आइए बैक चलते हैं फिर, अभी तो ये ऊपर वाला सेटिंग हो गया। और ये है न्यूज फीड, ठीक है, न्यूज फीड में ये फेवरेट आप जो भी आपका ये फेवरेट में रखे होंगे वो सारी फेवरेट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, ऐसे। और किसी को भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो लोग आपका फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जितना भी लोगों को चाहेंगे तो वो आ जाएगा, ओके। और बाकी ये फॉलोअर्स है, ठीक है, इसमें से ऑन फॉलो अगर किसी को करना है तो यहाँ से ऑन फॉलो भी कर सकते हैं जिनको जिनको अगर आपने फॉलो किया होगा, ठीक है, वो सारे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑफ ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में ये जितना आपका ये यहाँ से आप दे सकते हैं, देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन जो भी आप ऑन रखे हैं यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। ईमेल पे आपका नोटिफिकेशन आएगा और SMS पे आएगा और पुश, मतलब ऐसे इस ये जो अभी ऐप चलाते हैं इस पर नोटिफिकेशन आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे टैग अगर कर सकते हैं किसी को फ्रेंड्स के या एनिमल सबको या फ्रेंड्स को, ठीक है, तो वो लोग के भी नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और अपडेट फॉर्म देखिए इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये
अलाउ नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, ये सारी की सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ठीक है। अब बाकी ये सब वही है, आइए अब बैक दिखाते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज, ये देखिए शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट बार है, जैसे आपका फेसबुक के ऊपर है ना, ऊपर जो दिखाता है वॉच ग्रुप, तो वही है। ऐसे अप कर देंगे तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, यही है वो, ठीक है। अब आगे इधर ये लैंग्वेज एंड रीजन, तो ये रहा लैंग्वेज एंड रीजन, ये सर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये डिवाइस लैंग्वेज, जैसे कि मैं डिवाइस लैंग्वेज रखा हूँ, जिस लैंग्वेज में जैसे मैं करूँगा वही रहेगा, तो हिंदी, गुजराती, जो भी मराठी है वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी दो कीवर्ड इज टर्न ऑन, ये रखना है, ठीक है। आइए अब बैक इधर फिर चलते हैं, यहाँ पे ये मीडिया है, तो ये सब तो ये उसी का पिज़ा, तो ये रहा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल लॉकिंग, आज प्रोफाइल लॉकिंग ये है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, अभी ये लॉक नहीं है, देखिए यहाँ पे लॉक योर प्रोफाइल, तो देखिए अभी ये प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये अभी ओके कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, तो हमें लॉक नहीं करना है, ओके। आइए बैक चलते हैं, कहाँ पे थे, बैक चलते हैं इधर, ये तो लॉक करना नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये ही था ना प्रोफाइल लॉक, ये था, तो लॉक नहीं करना है, देखिए यहाँ पे अभी तो सॉरी यहाँ पे ये लॉक हो गया है, यहाँ पे लॉक, ये तो लॉक हो गया है, यहाँ पे सही का निशान लग गया, तो लॉक है, तो हमें अनलॉक रखना है, ठीक है। तो अनलॉक को भी हो गया, देखिए अनलॉक हो गया, ठीक है, अनलॉक हो गया, अनलॉक है, ठीक है। अगर लॉक होता तो यहाँ पे सही का निशान ऐसे ग्रीन में लग जाता, ओके। अभी बैक चलते हैं, फिर यहाँ पे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, भी ये दिखा देता हूँ आपको, इसमें जो भी है यहाँ पे एट वर्क एक्सपीरियंस, जो भी है अपना वर्क एक्सपीरियंस कर लगा सकते हैं इसमें, जो भी रिलेशन थे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में, देखिए यहाँ पे एडिट वर्क एक्सपीरियंस, आप यहाँ से आप जो भी है यहाँ पे कर सब यहाँ पे डाल के और यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ऐड कॉलेज डाल सकते हैं, अपना ऐड हाई स्कूल डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐड अपना यहाँ पे सिटी डाल सकते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे जो दिया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में देखिए अभी ऐसा खुलेगा, देखिए ऐसा ओपन हो गया, ठीक है। ये तो मोबाइल नंबर है, ठीक है, ऐड अदर मोबाइल नंबर और डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं, और देखिए यहाँ पे सोशल लिंक, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अदर, मतलब जो भी लिंक है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और ये रहा ये पब्लिक फ्रेंड्स, आप किसको दिखाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके रख सकते हैं, ठीक है। और आइए यहाँ पे ऐड सोशल लिंक, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपका शुरू में ही आएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, आप जिसका भी लिंक देना चाहते हैं तो उस पर यहाँ से क्लिक कर लेंगे, जैसे यूट्यूब का तो यूट्यूब क्लिक कर लिए, ठीक है, यूट्यूब क्लिक कर लिए, यहाँ से हटा देते हैं पहले का वाला, तो यूट्यूब क्लिक कर लिए तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो भी URL है, तो जो यूट्यूब से या जो फेसबुक का है, जो ट्विटर का, तो वहाँ से ला के यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो और उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देना है, तो मैं तो ये सब लगा चुका हूँ, तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ओके। और आइए यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं बायो इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे देखिए मेन क्या होता है, यहाँ पे ऑडियंस इज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे किसको दिखाना चाहते हैं, फ्रेंड्स को, पब्लिक को, तो पब्लिक को दिखाएंगे, तो पूरा जो भी लोग फेसबुक चलाते हैं सबको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे केवल फ्रेंड्स और ओनली मी, तो ओनली मी रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिखाए, और बर्थ ईयर, मतलब आप साल जो 2020 में जन्म लिया है, 1999 जो कुछ है, तो वो ओनली मी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर, जेंडर अपना चूज कर लेना है, जो भी जेंडर है,
चेंज भी कर सकते हैं। अगर कभी बहुत लोग करते हैं फेमर लगा देते हैं, बाद में नहीं समझ में आता है तो फिर बाद में समझ के वो मैन करते हैं। ओके, और यहाँ पे है इंटरेस्टेड, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, मेल में या वुमेन में, ठीक है, तो आप अपना लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे टिक कर सकते हैं मैन या ओपन वुमेन या दोनों में कर सकते हैं। ओके, मैं तो किसी में नहीं रखा हूँ। और ये करने के बाद में ऊपर यहाँ पे जो सेव दिया है सेव करेंगे तो अब ओके हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तो मैंने रखा, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में यहाँ पे आप किसको दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके पब्लिक को पब्लिक सेलेक्ट करना, पब्लिक में और भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी उर्दू, तेलुगु, जो कुछ है, तो यहाँ पे ऐड ए लैंग्वेज पे क्लिक करके अपना लैंग्वेज यहाँ पे लिख के सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कुछ लिखेंगे, जैसे कि आइए हिंदी मैं लिख देता हूँ, हिंदी लिख दिया तो यहाँ पे हिंदी यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे दो बार शो कर रहा है, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी सेव है। तो आप क्या चीज़, मतलब पॉलिटिकल व्यू में क्या कुछ रखना चाहते हैं, मैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रखा हूँ, नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल व्यू नहीं। और उसके सब करने के बाद में यहाँ पे ऊपर जब सेव करेंगे तभी जितना यहाँ पे करप्शन किए है तो लोड होगा। ओके, आइए बैक चलते हैं। सेव एंड चेंज मतलब जो कुछ भी आप किए हैं, तो मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे डिस्कार्ड चेंज में कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे नो में रखा था तो जैसे नो ही है, ठीक है, नो है पोलिटिकल है। और यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे डोनेशन आप अपना यहाँ पे चूज कर दे। अदर नाम, अदर नाम पे अगर आप क्लिक करते हैं ऐड अदर नेम पे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका शो करेगा अभी, जैसे कि यहाँ पे अपना नेम टाइप कौन सा नाम है, टाइटल इस नेम के साथ में आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम जो कुछ भी है लिख सकते हैं। और यहाँ पे शो एट टॉप ऑफ प्रोफाइल, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल नाम है ना, उसके बगल में जैसे कि देखिए ऐसे दिखाएगा, ऐसे, ठीक है, और सेव कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर ऐसे दिखाएगा, ठीक है, तो मैंने सेव करना हूँ, आप कर सकते हैं। ओके, और आइए फिर बैक चलते हैं और सेटिंग दिखाते हैं। तो आइए अब यहाँ पे चलते हैं, ये ब्राउजर है, ब्राउजर में यहाँ पे क्लिक ऑटो फिल, यहाँ पे कौन आपका कॉन्टैक्ट अपना ऑटो फिल फ्रॉम यहाँ पे ऐड करके और नो इन्फॉर्मेशन सेव पे अगर करते हैं तो यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे डाल के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आइए और यहाँ पे ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, फेसबुक एक्टिविटी देखते हैं आपका कौन कौन से ऐप में कब यूज किए थे। यहाँ पे व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी, तो इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी आ गया, तो इसको हम टर्न ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ टर्न ऑफ का यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लियर हिस्ट्री यहाँ से आप कर सकते हैं, सारी की सारी जो भी है यहाँ से आप क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है, देखिए ये सारे हट गया, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे एक्सेस योर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो इस पर अगर क्लिक करते हैं देखिए तो अभी ये कब क्या सर्च किए है सब यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, आपने जो कुछ भी सर्च किया है तो यहाँ पे यू डिसाइड सर्च मतलब जो किसी का नाम अगर सर्च किया सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। मैनेज पे आएंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे एक्टिविटी लॉग पे दिखा देगा, देखिए यहाँ पे कब कब आपने लॉग इन किए हैं, देखिए यहाँ पे सब आप ही को बस दिखेगा, दूसरा किसी को नहीं दिखेगा, ये बस दिख रहे हैं। अब इसको सबको आप यहाँ पे ट्रस्ट में करना चाहते हैं तो ये सब यहाँ से हट जाएगा, देखिए ये ड्राफ्ट वाला जो है इसको ऑटो डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, देखिए अभी ये बैक आते हैं, ठीक है, और फिर कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी मेन जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो बाकी है, उसको आगे मैं बताऊंगा।
तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन है, यहाँ से अपने इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितना भी है ये सारे के सारे ये नीचे यहाँ पे क्रिएट फाइल पे आकर के एक नया यहाँ पे सब डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में जाने, जो फेसबुक का कम्युनिटी है उसका स्टैंडर्ड है उसके बारे में देखिए पॉलिसी है क्या क्या आप इस पर कर सकते हैं, सारी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप अलग कुछ करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, तो आप बुरा तरह से फंस भी सकते हैं। ये जो फेसबुक का टीम है आप पे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट में आएंगे तो यहाँ पे फेसबुक का अबाउट यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये 337वां वर्जन अभी चल रहा है फेसबुक फॉर एंड्रॉयड, मतलब मोबाइल में ये 337वां अपडेट इसका ये है। तो आइए ऊपर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला आप जान लेते हैं क्या है। पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल, जिस भी मोबाइल जहाँ जहाँ लॉगिन हुआ होगा जब जब, तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये 4 घंटा पहले मैं लॉगिन किया था तो वो यहाँ पे दिखा रहा है अभी एक्टिव है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सी ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सी ऑल पे तो सारी यहाँ पे दिखा देगा, जब जब आपने जिस डेट में जहाँ भी जिस मोबाइल में किए होंगे वो सब दिखा देगा। अगर यहाँ पे लॉग आउट करना चाहते हैं आप ऑल के लिए तो ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, और एक के लिए करना चाहते तो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे, या सिक्योर अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे कि यहाँ पे सब एक एक करके आपको सिक्योर अकाउंट पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लॉग आउट यहाँ से आप कर सकते हैं अगर किसी ने दूसरा कोई आपका हैक किया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये सब हट गया, बस ये भी एक हटा देता हूँ, ये भी हट गया अभी एक ही में लॉग इन है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे एक ही दिखा रहा है जो अभी एक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रहा है यहाँ पे चेंज पासपोर्ट, तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं, नया पुराना वाला पासपोर्ट ऊपर डालेंगे, नया वाला एक नया बनाएंगे। जैसे बहुत भारी पासपोर्ट बनाएंगे कम से कम 14 अंक का, ठीक है, ABCD ले लेंगे, 1, 2, 3 ले लेंगे, और स्टैंडर्ड जो कीवर्ड होता है वो ले लेंगे, जैसे @ हैच हाइफन, ये सब कुछ मिलाकर मिक्स करके आपको ऐसा पासवर्ड बना जो आपको भी याद ना हो सके, लिखना पड़े वो पासवर्ड बनाना से, ठीक है। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आप जीमेल या मोबाइल नंबर दिए होंगे तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो उस पर आपका OTP जाएगा, ठीक है, 6 डिजिट्स का देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बता दिया, अभी बैक आ जाता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखिए यहाँ पे ये 10-1 है, ठीक है। अगर आपका ऑफ होगा तो वहाँ से डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे तो आपका ऑन हो जाएगा, ओके तो ऑन हो जाएगा। तो देखिए कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा मेरा, ये सारी की सारी ये योर पासवर्ड इज ओके है सर, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी ओके है, लॉगिन अलर्ट ये भी ओके है। देखिए लॉगिन अलर्ट में आपको यहाँ पे इस सब पे आपको टिक करके रखना है, देखिए ऐसे करके रखना है ऐसे, ठीक है, ये सब पे ऑन करके रखना है, तभी आपको देखिए अभी मैसेज आ गया यहाँ पे, अभी नोटिफिकेशन आ गया लॉगिन किया, ठीक है। अगर कोई हैक भी करता है 2-स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऐसे करके और मैनेज करेंगे, जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे और OTP आएगा, OTP डाल के अपना
टू स्टेप वेरिफिकेशन ओके कर लेंगे और कोड इज ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड, आप अपना नया भी पासवर्ड और ज़्यादा यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कम से कम महीना में दो महीने में आपका पासवर्ड चेंज करते रहना है, ठीक है। और ये सेटिंग कर लेना है ओके। यहाँ पे ये कोड जनरेशन है आपका, यहाँ पे कोड आप एक्टिव, यहाँ पे ये कोड, यहाँ पे एक्टिव कोड यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा कोड देखिए, अभी ये 60 सेकंड के लिए ये कोड मिला है, ठीक है। तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं यहाँ से ओके। और ऐप पासवर्ड पे आते हैं, खुल जाएगा, ठीक है। आ गया ये, बस ये सेटिंग रहा। और ये देखिए गेट अलर्ट अबाउट, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा यहाँ पे अलर्ट है लॉगिन, ठीक है। तो इसको आपको ऑन रखना है, देखिए नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ये मैसेंजर पे भी है, इसको भी हमें ऑन रखना है, ठीक है। इसको भी ऑन आप रख सकते हैं और ज़रूरी है, देखिए। और ईमेल पे भी आप ऑन रखना है, देखिए ये ईमेल पे आप अपना चूज करके यहाँ पे सेव कर लेंगे तो ये ऑन, ये सारी की सारी यहाँ पे ये ऑन रखना है ओके। तभी आपका ये कोई हैक भी करता है तो आपको मालूम चल जाता है ओके। सारी की सारी ऑन रखना है, और यहाँ पे चूज 3 to 5 यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेंड टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू गेट लॉक्ड आउट, मतलब आप लॉक आउट हो जाते हैं तो कोई कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे आप अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स के यहाँ पे आप यहाँ पे चूज करके रख सकते हैं, भविष्य में आपको यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। डन कर देंगे, जैसे कभी पासपोर्ट भी भूल जाते हैं तो आप वहाँ से चूज कर लेंगे ओके। इस पे आप हेल्प मतलब ले सकते हैं, ये फेसबुक का हेल्प सेंटर है, यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप हेल्प, ठीक है। यहाँ से आप जो भी है उसके ये ऐसे दिया है, आप यहाँ से 3 लाइन पे भी क्लिक करके अपने बारे में जो हेल्प चाहिए, ये पॉलिसी एंड रिलेशन, पॉलिसी सेफ्टी के बारे में या यूजिंग फेसबुक के बारे में सब कुछ ये बता देगा, ठीक है। अगर यदि आप सोच रहे हैं कि आपका अकाउंट हैक हो गया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और एक पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सेटिंग पे और जो जो कुछ मांगेगा आपको वो देते जाइएगा तो वो आपका अकाउंट सिक्योर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये लॉग आउट आप हो सकते हैं यहाँ से। तो आइए अब अपना फोटो, जो भी फोटो डाले हैं वो कहाँ दिखता है, आपका फ्रेंड कहाँ दिखता है और कितना फ्रेंड है वो कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए आइए यहाँ पे ये जो लोगो दिख रहा है इस लोगो पे अपना प्रोफाइल के क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है। ये जो भी आप फोटो डाले हुए हैं सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए ये 3 डॉट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये व्यू एज कैसे आपका प्रोफाइल दिखता है लोगों को, तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर कोई देखता है आपका प्रोफाइल तो ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ से हो गया और यहाँ पे दिया है आपका जो भी है ये आप अपना यूजर नेम यहाँ पे रहेगा, यूजर नेम अपना चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, वो भी मैं डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ओके। और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी लॉग, यहाँ पे लॉग प्रोफाइल यहाँ पे भी है, ठीक है। लॉग भी यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं, अभी लॉक नहीं, अगर लॉक होता तो यहाँ पे सही का निशान हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिविटी लॉक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये सब जितना भी आप लॉक किए हैं वो सब यहाँ पे दिखा रहा है ओके। ये बैक चलते हैं, ये क्या है रिव्यू पोस्ट एंड
टैग ये ही मेन है। अगर ये अलाउ रखते हैं तो कोई भी आपका टाइमलाइन में ये सभी लोग जो कुछ भी डालेगा आपको टैग करके आपको प्रोफाइल पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको ऑफ करके रखा हूँ। देखिए जब तक मैं यहाँ पे ऐड टू प्रोफाइल नहीं करूँगा जब तक मेरे प्रोफाइल पे जा ही नहीं सकता। मैं इसको हाइड कर दूँगा तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव टैग की जिसने मेरे को टैग किया है उसको रिमूव कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, रिमूव भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना लोग भी यहाँ पे हमें अगर करते अगर ऐड करेंगे तो मेरे टाइमलाइन के नीचे मेरे प्रोफाइल में ये फोटो सब दिखाने लगेगा। ये भी सेटिंग मस्त है, ठीक है। और बाकी ये सेटिंग में दिखा देता हूँ, इसका सेटिंग ये है, ठीक है। अगर रिव्यू पोस्ट योर टैग इन तो ये ऐसे रखना है, टिक मार्क करके रखना है और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे रखेंगे तो मतलब खाली फ्रेंड या फ्रेंड का फ्रेंड आपको टैग कर सकता है। अगर इस पर एनीवन करेंगे तो सब पब्लिक आपको टैग कर सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी इसमें टैग कर सकते हैं, ठीक है। वो सब हो गया। और यहाँ पे देखिए नीचे आपका ये जो भी आप लिंक दिए हैं वो सब यहाँ पे आपका अदर सोशल मीडिया और यहाँ पे सब दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रहा आपका ये इतना दूर में ये फ्रेंड्स, ठीक है। अभी ये 4988 है, मेरा 5000 होते रहता है हटाता रहो। देखिए आपका फ्रेंड 5000 ही बन सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होने के लिए आपको फ्लो का सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड सी ऑल फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी फ्रेंड दिख जाएगा। और यहाँ पे ये फोटो दिया है तो आप अपना यहाँ से सब फोटो यहाँ से अपना देख सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे जितना भी आपका फोटो यहाँ पे है ये अपलोड पे और एल्बम पे जो भी एल्बम बनाए होंगे सारे यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। और आइए यहाँ पे फेस वाला सिस्टम में दिखाता हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करके और प्राइवेसी सेटिंग और सेटिंग में जा करके ये फेस वाला जो सेटिंग है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने किसी ग्रुप में अगर ने फोटो मतलब एक साथ में 5 लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचवाए हैं और वो लोग अपना प्रोफाइल पे अगर फ़ोटो डाल रहा है, ठीक है, अपना प्रोफाइल पे, तो आपको भी उसमें टैग में आ जाएगा, ठीक है। ये फेस रिकॉग्निशन है, इस पर क्लिक करके आपने ये देखिए फेस अगर एस रखते हैं तो ये आपका वो टैग में आपका प्रोफाइल उसमें ऐड हो जाएगा, टैग हो जाएगा आपके साथ में। ये सिस्टम होता है, ठीक है। बाकी रहा यहाँ से भी आप फोटो डाल सकते हैं और यहाँ टाइमलाइन पे भी क्लिक करके अपना कुछ लिख करके और यहाँ से आप फोटो वीडियो डाल सकते हैं, ये दोस्त का टैग कर सकते हैं। और यहाँ पे फीलिंग आप खुशी या सैड महसूस करते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे चेक इन मतलब आप कहाँ से डाल रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान या हैदराबाद, गुजरात, जो भी है यहाँ पे एड्रेस उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे ये पब्लिक को दिखाना चाहते हैं या नहीं, पब्लिक को दिखाना चाहते हैं फ्रेंड को या केवल आप, ठीक है। और यहाँ पे एल्बम जो भी एल्बम है यहाँ से अपना एल्बम भी चूज कर सकते हैं, एल्बम में चूज कर या नया एल्बम भी बना सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट कर देंगे जो कुछ भी लिखने के बाद में, ओके। तो मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ, बैक चलता हूँ, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, ओके। और आइए फिर और कुछ सेटिंग यहाँ पे ऊपर कुछ भी सर्च कर सकते हैं किसी के भी बारे में, कोई दोस्त दोस्त के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 लाइन अगर करते हैं उसके बाद में देखिए ये कॉपी लिंक हो जाता है, ऑन फ्लो हो जाता है उनको, ठीक है। और अपना प्रोफाइल पे आने के बाद में अगर कोई आपका जो पिक्चर है वो ये मेरा पिक्चर क्यों अभी ऊपर है, ये मैं पिन करके रखा हूँ, ठीक है। मेरा प्रोफाइल पे हमेशा अगर कोई आएगा तो ये जो पिक्चर है ना ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अभी मैं इस पिक्चर को अगर मैं पिन कर देता हूँ तो ये भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। पिन का मकसद ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ गलत लिख दिया हूँ अगर चाहता हूँ फिर से एडिट करेंगे तो एडिट पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ से कुछ और जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए अगर कुछ और जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थीके?
ये होने के बाद में देखिए अब HD फोटो वीडियो कैसे अपलोड करते हैं उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स पर आए जैसे के बाद में सेटिंग में आना है ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मीडिया पे आना है ठीक है। मीडिया पे आने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता है वीडियो अपलोड HD फोटो अपलोड HD ठीक है। और यहाँ पे 3D मोड ये भी आप रख सकते हैं ठीक है। तब ये HD में दोनों रखना है ठीक है, वीडियो सेटिंग ठीक है। यहाँ पे ओन वाईफाई ओनली केबल कर देते हैं और यहाँ पे मोबाइल टू मैं ओन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई ये दोनों पे रखता हूँ ठीक है। और डाटा सेवर भी आप लगा सकते हैं ठीक है। और ये ऑप्टिमाइजेड भी आप कर सकते हैं, तो ये मैं करके रखा हूँ ओके। और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट विद साउंड के साथ में वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये रखना है, ऐसे रखना ठीक है। हटा देंगे तो ये साउंड नहीं सुनाई देगा ओके। और यहाँ पे साउंड इज द ऐप तो ये भी इसको डाले रखना ठीक है। और लिंक ओपन एक्सटेंटली यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे लिंक भी तुरंत यहाँ पे ओपन हो जाएगा अगर इसको ओपन। और नेवर ऑटो प्ले ठीक है, इसको यहाँ पे नेवर रखते हैं तो ऐसे हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैक रखते हैं ठीक है। आइए बैक चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यू टाइमलाइन फेसबुक का ये टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे दिखाता है, शो करता है ठीक है। और ये है जो फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट, तो इसको क्या करना है, ये जो भी है यहाँ पे ये पब्लिक करके आपको रखना है, ये मेन सेटिंग यहाँ पे ठीक है। ये ऑफ फेसबुक यहाँ पे प्रीवियस ये भी यहाँ पे टिक करके, मतलब ये सारी ऐसे ही आपको रखना है ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग वाला सिस्टम, ये सारी जो जितना लोगों के भी आपने ब्लॉक लिस्ट में रखे हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर किसी को ब्लॉक भी करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस के आइकन